राजस्थान प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज झुंझुनू में बुहाना उपखंड के कलवा गांव पहुंची। कलवा गांव स्थित भाजपा के दिवंगत नेता काका सुंदरलाल के निवास स्थान पर उनके चित्र के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान वसुंधरा राजे ने परिवार के सदस्यों को ढांढस बधाया। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि काका सुंदरलाल का निधन भाजपा ही नहीं बल्कि उनके लिए निजी क्षति है। काका सुंदरलाल की बातें हमेशा सीख देती थी। इस दौरान भाजपा विधायक विक्रम जाखल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व मंत्री यूनुस खान, राजपाल शेखावत, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी सहित भाजपा नेता साथ थे। अलग ही छवि छोड़ने वाले, अलग ही तरीके से कम्युनिकेट करने वाले, ढोलक बाजा गांव वालों के साथ दिल से दिल जोड़ने की बात, हम लोग सबके साथ जो मन की बात थी वो पूरी तरह से बोलने की बात, किसी को दुखी नहीं देखते थे तो खुश करने के लिए चुटकुले, भैरव सिंह जी के बहुत करीब, हम लोगों को रास्ता बताने वाले। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा समय आएगा जब इन जैसे व्यक्ति हम लोगों के साथ नहीं होंगे। तो जब आप लोग सब जानते हो किसी के घर में जब बड़ा चला जाता है तो किस किस्म का वैक्यूम होता है और कैसे लगता है मन में, उसी तरीके से हम लोग, मैं समझती हूँ मैं अकेले नहीं हूँ इसमें, मैं बहुत सारे, आप जिनसे पूछोगे वो सब ये लोग कहेंगे, इनकी फैमिली को छोड़िए, आप फैमिली तो करेगा ही करेगा पर दूसरे लोग भी, इसलिए हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है, मेरे लिए एक पर्सनल क्षति है। और मैं तो प्रार्थना यही करती हूँ ईश्वर से कि इस पूरे परिवार को ताकत दे ताकि वो इस बहुत बड़े लॉस को सह सके।